नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पर आ गई। प्रदेश के नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती GSDP की जानकारी मीडिया से साझा की है। उन्होंने कहा है कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर GSDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना GSDP बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी करीब 4% हुई है। ये ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% हुई, जबकि उत्तराखंड में ये 4% हुई। खासतौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। लखपति दीदी योजना से भी इसके लिए कारगर साबित हुई है। पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। सरकारी नौकरी से भी प्रदेश में रोजगार बढ़ा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा GSDP का है। जो GSDP का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने GSDP को दोगुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रेटजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिविजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो GSDP है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो GSDP था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गए। मतलब चलिए ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड उत्तराखंड से सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? GSDP को लेकर भी यहाँ पर बात की गई और इसके साथ ही ये लगातार बताया जा रहा है सरकार भी इसको लेकर प्रयासरत थी, किस तरह से बेरोजगारी को कम किया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, और अब उसी और में ये जो परिणाम है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऋषिका, लगातार उत्तराखंड सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया जा सकता है, इसकी रणनीति बनाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। और जब जब भी मुख्यमंत्री ने विकास के एजेंडे पर समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को खासतौर से टीम मुख्यमंत्री जो है उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मुख्य सचिव हैं और मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम सहित जो अन्य सचिव हैं सभी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि कैसे उत्तराखंड का विकास हो सकता है, उत्तराखंड को कैसे अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सकता है। और जब अधिकारी इसकी रणनीति के तहत कार्य करते हैं तो चाहे वो महिलाओं के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी दर को कम करने की बात हो, या इसके अलावा जो श्रमिक क्षेत्र है उसमें इसके रेशियो को बढ़ाने की बात हो, ये तमाम ऐसे पहलू जिन पर फोकस किया जाता है। और जब इन पर प्रयास किए जाते हैं तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर के जो आंकड़े हैं उनसे भी तुलना कर देखी जाती है। अगर हम ओवरऑल कई मामलों की बात करें तो जैसे सरकार ने अभी तक तमाम जो काम किए हैं उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कई उपलब्धियां के तौर पर हम कह सकते हैं। अगर हाल ही की हम बात करें तो सरकार ने तकरीबन 17,000 युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए हैं, तो इससे जो बेरोजगारी का औसत है वो थोड़ा सा कम हुआ है। कहीं ना कहीं ये सरकार के और उत्तराखंड के युवाओं के लिए राहत की बात हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा GSDP की अगर हम बात करें तो इसमें 20 माह में 1.3 की बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में। अलग अलग समय पर अलग अलग जो कार्य हुए उनके सुखद परिणाम सामने आए हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि उत्तराखंड सरकार चौमुखी विकास करने में लगातार प्रयास कर रही है और अब क्योंकि उसके परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेरोजगारी जो दर है वो तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।